जीवन में भय तो सदा रहेगा, अगर निर्भयता चाहिए तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा। भगवान की शरण में आने पर ही भय दूर होता है, और हनुमान जी भी उन्हीं के साथ रहते। हनुमान जी ने भी अभी तक कोई सहयोग नहीं किया सुग्रीव का। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग पर थोड़ा संकेत करते हैं कि हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, सब कुछ है, और सुग्रीव के परम हितैषी हैं, फिर भी सुग्रीव छिप करके वहां पड़े हैं। और अभी तक हनुमान जी ने सुग्रीव जी की कोई सहायता, ऐसी सहायता नहीं की जिससे उनके दुख की निवृत्ति हो जाती। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाली बैरी सुग्रीव के कहा कियो हनुमान, बाली बैरी सुग्रीव के कहा कियो हनुमान। हनुमान जी वही थे, लेकिन सुग्रीव का वो संरक्षण नहीं कर पा रहे थे। बाली का भय सुग्रीव को बना रहा, क्यों? बोले बाद में हनुमान जी में इतनी दिव्यता कहां से आ गई? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान, तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान, बैरी बाल सुग्रीव के कहा कियो हनुमान। हनुमान जी ने क्या किया? लेकिन जब उन्हीं हनुमान जी के ऊपर भगवान की सुंदर दृष्टि पड़ गई, सुदीठी सुंदर दृष्टि पड़ गई, फिर तो वो हनुमान जी के अंदर जो सामर्थ्य आ गया कि हनुमान जी कुछ भी कर सकते। तो ये रघुनाथ जी की दृष्टि का प्रताप था। हनुमान जी तो वही थे, लेकिन पहले कुछ नहीं कर सकते थे। जब रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ गई तो हनुमान जी महाराज, फिर तो हनुमान जी। सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, सुग्रीव ससंकित हो गए, हनुमान से कहा, हनुमान देखो ये दोनों कौन आ रहे हैं, शस्त्र लिए हुए हैं, कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे, जाओ पता लगाओ और देखो, अगर पता चल जाए कि ये मारने के लिए आ रहे हैं तो इशारा करना और मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव जी भागने में बड़े कुशल हैं महाराज, और भागने से ही तो इनका प्राण बचा, नहीं तो मार दिए गए होते, बाली तो मार ही देता। भागने में बड़े कुशल हैं। सुग्रीव जी ने यही कहा कि हनुमान संकेत कर देना, मैं भाग जाऊंगा। पठिए बाली हो ही मन मेरा, पठिए बाली हो ही मन मेरा, भागो तुरत तजो यह सेना, भागो तुरत तजो यह सेना, पठिए बाली हो ही मन मेरा, पठिए जाए, संकेत कर देना हम भाग जाएंगे। भागूं तुरत तजूं यह सैला, यह भी पर्वत छोड़ करके मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने आकर के ब्राह्मण का रूप धारण किया, और ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करके भगवान के सामने आए और भगवान को प्रणाम किया। जब भगवान को प्रणाम किया उसी समय भगवान जान गए ये असली ब्राह्मण नहीं है। अगर होता ब्राह्मण तो पहले विचार करता किसको प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बनावटी रूप बनाने पर कहीं न कहीं कमी रह ही जाती है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और आकर के भगवान को प्रणाम किया। और पूछने लगे आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो राम जी हनुमान जी से बात नहीं करते, लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण पूछो ये कौन हैं और क्यों आए हैं। कपि रूपं परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः, भिक्षुरूपं ततो भेजे
अब आगे वाल्मीकि जी ऐसा शब्द कहने जा रहे हैं हनुमान जी के लिए, भिक्षु रूपम ततो भेजे। हनुमान जी ने भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, भिक्षुक माने ब्राह्मण। बोले उनका बानर रूप क्या खराब था, उस रूप में क्यों नहीं आए? तो वाल्मीकि जी कहते हैं सठ बुद्धि तया कपि ही, सठ बुद्धि तया कपि, कपि की बुद्धि जो है सठ हो गई, भगवान से कपट किया, भगवान के सामने जैसे हो वैसे चले जाओ। अभी कल परसों प्रसंग आया था, हनुमान जी जैसे व्यक्ति ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम, ऐसे हनुमान जी महाराज भी जब भगवान के सम्मुख कपट करते हैं, अपने वास्तविक रूप को छिपाकर कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मज भिक्षु रूपम ततो भेजे, तो वाल्मीकि जी कहते हैं ये सब हनुमान जी ने किया सठ बुद्धितया कपि, और इसीलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। और ये कपट का पर्दा हटे तभी तो ठाकुर का दर्शन हो, हम जीवन में कपट का पर्दा ही नहीं हटा पाते। ये कपट का पर्दा क्या है? बोले यही वो घूंघट है जिस घूंघट को खोलने की बात कबीर करते हैं। घूंघट के पट खोले रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे तो हे पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे तो हे पिया मिले, घूंघट के घट घट में तोरे साई बसत है, 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 कटु वचन मत बोले, कटु वचन वचन मत बोले रे ओए प्रिया मिले, घूंघट के पट खोले रे ओए प्रिया मिले, घूंघट के पट खोले रे ओए प्रिया मिले, धन जो बने का गर्मी नकी के, धन जो बने का गर भी न कीजे, धन जो बने गर भी न कीजे, झूठा इसका बोले, झूठा इसका बोले रे, झूठा इसका खोले रे तोए पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिले, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिले। यही कपट का घूंघट है, ये कपट का घूंघट हटे तब पिया का दर्शन हो, परमात्मा का दर्शन हो। हनुमान जी ने भी कपट किया तो भगवान सीधे हनुमान जी से बात नहीं करते, लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण पूछो ये क्यों आए। हनुमान जी ने अपनी सारी बातें कही, हनुमान जी ने भगवान के स्वरूप को देख करके कहा श्रीमंतौ रूप संपन्नौ, आप दोनों श्रीमान हैं, रूप संपन्न हैं, विषभ श्रेष्ठ विक्रमौ और पराक्रमी हैं, हस्ति हस्तोपम भुजौ, हाथी की सूंड के समान बड़ी बड़ी आपकी भुजाएं हैं, आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहव परिघोपमाः, ये बड़ी बड़ी आपकी भुजाएं परिघ के समान,
सर्वभूषण भूषारहा किमर्थम न विभूषिता। हनुमान जी कहते हैं हे भगवान, आपके ये अंग प्रत्यंग जो हैं, इनका जो लक्षण है, इन लक्षणों को देख करके लगता है कि ये अंग आभूषणों से सुसज्जित होने के योग्य हैं, लेकिन आपने आभूषण धारण नहीं किया। सर्वभूषण भूषारहा, देखो भूषण भी सबको अच्छा नहीं लगता, जो सुंदर होता है उसी पर भूषण भी सुंदर लगता है। कहते हैं ना कि मणिना बलयम बलयेन मणि, मणिना बलयेन विभाति करह। क्या कवियों की कल्पना है। आभूषण भी उसी के ऊपर शोभित होते हैं जो सुंदर होता है, और उसका भी उदाहरण वाल्मीकि रामायण में, जब राम जी का वनवास हो गया तो मंथरा जो थी वो बड़ी प्रसन्न हुई कि अब तो भरत राजा बनेंगे और मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। और सज धज करके महाराज नख से लेकर सिख तक श्रृंगार करके, करधनी वर्धनी पहनकर, पावजेब पहनकर, कानों में कुंडल पहन करके वो कुबड़ी घूम रही थी, महल में टहल रही थी इधर से उधर। तब तक शत्रुघ्न जी आ गए। भरत शत्रुघ्न जब आए तो शत्रुघ्न जी ने जब देखा तो शत्रुघ्न जी को कैसा लगा, वहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं रज्जु भिरिव बानरी, जैसे किसी बंदरिया को बढ़िया घाघरा वगैरह पहना दिया जाए और आभूषण पहना दिया जाए तो बंदरिया जैसी लगती वैसी ही लग रही थी। और हुमक करके एक लात मारा शत्रुघ्न जी महाराज ने, गिर पड़ी महाराज, खोपड़ी फूट गई। तो अगर व्यक्ति सुंदर नहीं है तो आभूषण भी पहने तो बंदरे जैसा लगता है। और यहां हनुमान जी तो बानर हैं। हनुमान जी कहते महाराज हम तो बानर हैं, आप तो नर हैं, और आपके शरीर पर आभूषण शोभा को प्राप्त होंगे। सर्वभूषण भूषारहा, आपके अंग भूषण के योग्य हैं, किमर्थम न विभूषिताः, आपने आभूषण क्यों नहीं धारण किया, आपको करना चाहिए था। अब इसमें बहुत बड़ा, बहुत बड़ी व्यंजना है। क्या व्यंजना है, बोले मंगलाशासन की व्यंजना है। आचार्यों ने चिंतन किया, भगवान के अंग सौंदर्य को देखकर हनुमान जी को लगता है कि ऐसे सुंदर अंग तो आभूषण से आच्छादित होने चाहिए, अन्यथा किसी की दृष्टि लग जाएगी, दोष लग जाएगा, नजर लग जाएगी। हनुमान जी कहना चाहते हैं किमर्थम न विभूषिताः, आपने अपने इन अंगों को आभूषण से विभूषित क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए। आप इतने सुंदर हो, आभूषण रहित, वस्त्र रहित, निरावरण आपके श्री अंग का कोई दर्शन करेगा तो किसी की नजर लग जाएगी। हे प्रभु, आपको किसी की नजर न लगे। यहां पर सूक्ष्म रूप से हनुमान जी ने भगवान का मंगलाशासन किया है, भगवान को आशीर्वाद दिया है। यह सब तो हुआ, लेकिन अभी भी राम जी भगवान हनुमान जी से बात नहीं करते। बात पूरी हो गई, हनुमान जी ने अपनी पूरी बात कह ली, फिर भी भगवान हनुमान जी से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, बोले हनुमान जी अभी कपट किए हुए हैं, अभी वो कपि रूप उनका प्रकट नहीं हुआ, अभी बानर वो भिक्षु रूप ही है। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये जो आए हैं महाशय, लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं। पहली डिग्री दिया भगवान ने, बोले बहुत बड़े विद्वान हैं और साधारण विद्वान नहीं है। ऐसी वाणी तो वही बोल सकता है जिसने ऋग्वेद का अध्ययन किया हो, यजुर्वेद का अध्ययन किया हो, सामवेद का अध्ययन किया हो, अथर्ववेद का अध्ययन किया। ना ऋग्वेद विनीतस्य, ना यजुर्वेद धारिणः, ना सामवेद विदुषः सक्यमेवं विभाषितुम्। ऐसी भाषा बोलने का सामर्थ्य तो उसी के अंदर होगा जो चारों वेदों का ज्ञाता होगा। इसलिए लगता है ये चारों वेदों के ज्ञाता हैं। इतनी बड़ी डिग्री भगवान ने दे दी उनको, हनुमान जी को। अब उससे भी बड़ी और डिग्री दे रहे हैं भगवान। कहते हैं नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम, और इनकी वाणी से लगता है कि इन्होंने एक बार नहीं अनेक बार व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है, क्योंकि इतने देर तक ये वार्ता करते रहे लेकिन इनकी वाणी में कोई अशुद्धि प्रकट नहीं। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जो होता है उससे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। क्या गलती होती, बोले अधिक बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है,
पहली गलती हो जाती, कहीं ना कहीं झूठ निकल ही जाता। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, अधिक बोलने वाला व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, अधिक बोलने वाले व्यक्ति के मुख से कभी कभी अशुद्ध अपशब्द प्रकट हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन भगवान कहते हैं बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम्। इसने इन्होंने इतने देर तक वार्ता की, बहुत वार्ता की, लेकिन इनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला। बहुव्याहरतानेन किंचित अपशब्दितम्। और केवल अपशब्द ही नहीं, हनुमान जी साधारण ज्ञानी नहीं माना। बहुत से लोग होते हैं सावधान रहते हैं, उनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकलता, लेकिन एक कमी वहां भी रह जाती है। क्या? बोले मुख में, आंख में, अंग में कुछ ना कुछ विकार होता रहता है, असामान्य गतिविधि जिसको कहा जाता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत बड़े विद्वान, लेकिन बोलेंगे तो आंख ऐसे ऐसे करते रहे, किसी का हाथ चलता रहेगा, हर बात में कुछ ना कुछ ऐसे वैसे करता रहेगा, ये सब भी गलत है। हमारे अयोध्या में एक सज्जन है महाराज, वो जब बात करते हैं तो दो बात करने के बाद एक बार ऐसे अपना कंधा करेंगे, होता है ये सब, असामान्य स्थिति मानी जाती है। यहां पर भगवान कहते हैं कि ना मुखे नेत्रयोश्चापी ललाटे च भ्रुवोस्तथा। इतनी देर तक हनुमान जी ने वार्ता की, लेकिन हनुमान जी की आंख में, ललाट पर, भ्रुव में कहीं भी कोई असामान्य गतिविधि नहीं हुई। अन्ये स्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्। ये सारे दोष अन्यत्र स्वाभाविक हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी, लेकिन इतना सब होने के बाद इतनी बड़ी योग्यता हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सावधान हैं, दत्तावधान हैं, सब कुछ है, अभिमान रहित भी हैं, लेकिन कपट होने के कारण भगवान अभी तक हनुमान जी से वार्ता नहीं किए। और इसके बाद जब हनुमान जी को सब कुछ पता चल गया कि ये रघुनंदन हैं, दशरथ नंदन हैं, परमात्मा हैं, और इन्हीं की सेवा के लिए मेरा अवतार हुआ है, मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, क्योंकि यही गुरु दक्षिणा देनी थी सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान से समस्त विद्या को जब प्राप्त किया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने कहा मैं आपको क्या दक्षिणा प्रदान करूं, तो सूर्य भगवान ने कहा जाओ पृथ्वी पर और मेरे कुल में उत्पन्न जो सुग्रीव हैं उनकी सेवा करो, और सुग्रीव की सेवा करते करते एक दिन तुमको मेरे ही कुल में प्रकट होने वाले पर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, फिर उनकी सेवा सदा करते रहना, यही गुरु दक्षिणा। आज हनुमान जी को जब भगवान की प्राप्ति हो गई, हनुमान जी पहचान गए और हनुमान जी ने तुरंत अपना वो भिक्षु रूप त्याग दिया। भिक्षु रूपम परित्यज्य बानरम रूपमास्थितः। अपने भिक्षु रूप को छोड़कर के हनुमान जी जब बानर रूप में हो गए तब भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। कुशल क्षेम पूछा, हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चलो, बानर राज सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, मैं ले चलूंगा। और हनुमान जी महाराज ने प्रभु को अपने कंधे पर बैठाया और एक छलांग लगाई जय श्री राम, और हनुमान जी महाराज सीधे ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचे सुग्रीव के सम्मुख, प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को अपने कंधे से उतारा। वानर राज सुग्रीव ने एक पेड़ की डाली को तोड़ करके रखा और कहा महाराज बैठो, उसी पे आसन दिया। और इसके बाद दोनों में मित्रता हुई।